हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से पोरी का जो स्टेप है, इसका मोल्डिंग जो है, इसमें चमक नहीं है, तो इसमें चमक लाना है किस तरीके से लाएँ। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि हम इस मोल्डिंग को जो चमकाने वाले हैं मोमबत्ती से। जैसा कि देख सकते हो, ये है ग्रेनाइट, जो इसका रियल है, और इसका जो है अभी कटाई करके इस तरीके से भी ये वाइट हो गया है, तो इसको चमक लाना है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले कटाई होगा कौली से, इसको बराबर करना है जो ऊपर नीचे आए। तो अभी देख सकते हो, ये कटाई होने के बाद ये थोड़ा अभी दरदरिया है इसमें, और इसमें अभी चलाएंगे 46 नंबर। 46 नंबर चलाने के बाद इसमें थोड़ा चमक आएगा अभी, तो 46 नंबर लगाते हैं पहले, उसके बाद आपको बताते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये 46 नंबर लग चुका है ग्लेंडर में, अब ये चलेगा। बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ चलाने वाले हैं 3 बटी 46 नंबर और 120 और 320, जो कि 320 में मोमबत्ती मारेंगे। तो किस तरीके से मारते हैं आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो आप लोग को वीडियो की पूरी जानकारी मिलती रहेगा।
तो दोस्त फाइनली जैसा कि देख सकते हैं 46 नंबर मार्क कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से इसका लुक दे रहा है, जो कि ऊपर नीचे जो भी दाग था सब मिट चुका है, अभी प्लेन हो चुका है पूरा। और इसके बाद 120 नंबर लगेगा, तो चलो मार के देखते हैं। पहले वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों फाइनली 120 नंबर मार दिए हैं और देख सकते हो इस तरीके से इसका मोल्डिंग का चमक अब आ रहा है। अभी थोड़ा बहुत आया है और अभी आने वाला है और भी, तो 320 नंबर भी चलाएंगे, जो कि मोमबत्ती के साथ चलाएंगे। किस तरीके से चलाते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखो। तो दोस्तों अभी सिर्फ चलाते हैं अकेला, तो दोस्तों देख सकते हो चमक नहीं आ रहा है, जैसा का वैसा ही है। तो दोस्तों मोमबत्ती किस तरीके से इसमें मारना चाहिए आप लोग वीडियो को पूरा देखो, फिर आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ग्लेंडर को ऑन करके मोमबत्ती को पत्ते के ऊपर लगाना है इस तरीके से, और लगाने के बाद अच्छी तरीके से पत्ते में लगा के मोल्डिंग में लगाना है इस तरीके से। उसके बाद अपने आप चमक आने लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो इसमें चमक आ गया है अब, जो कि फाइनली चमक आ चुका है। और इसी तरीके से पूरे में मारना पड़ेगा ताकि चमक पूरा आ जाएगा। दोस्तों कम समय में ये चीज़ तैयार हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि देख ही सकते हो अभी इधर ये बाकी है और इधर मार चुके हैं, तो इधर का चमक आ चुका है। तो दोस्तों चलो मारते हैं पूरा, फिर दिखाते हैं आप लोग को आगे की वीडियो। इस तरीके से मोमबत्ती को डरगिटी में लगा के मारता है और तभी इसकी चमक आता है पूरा। सब दोस्तों चमक आने लगा है और ये इसका चमक जली नहीं, कुछ टाइम के लिए चमकता है मोमबत्ती का। और जो आपको वीडियो की जानकारी लगा कमेंट करके ज़रूर ना। और दोस्तों आप मिलो तो आप इसका जरूर करें कि इसमें चट में आपका टाइम निकलता और मोल्डिंग बहुत ही चमकता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आइए और इसी डिज़ाइन की जानकारी लेते लाते रहेंगे।
और हमारे चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वीडियो आप तक सबसे पहुँचे। तो दो भी इसका भी अच्छा मारे तो दोस्तों फाइनली जैसा कि देख सकते हो इस तरीके से मोमबत्ती मार के कम्प्लीट हो चुका है और देख सकते हो मोल्डिंग का चमक जो कि बिल्कुल आ चुका है। और दोस्तों बहुत आदमी होता है कि इसमें तेल मार देता है सरसों का, तो दोस्तों उससे तो चमक आता है मगर कुछ टाइम के लिए, और ये चमक जो है पूरा बिल्कुल लाइफ टाइम हो गया है और चमक इसका नहीं जाएगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो की जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अगर आप कोई मिस्त्री हमारा वीडियो देख रहा है तो दोस्तों आप मोमबत्ती का एक बार ज़रूर यूज़ करें, जो कि मोमबत्ती में चमक बहुत ज़्यादा आता है, ताकि ऐसी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा वीडियो के साथ।